हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज 26 तारीख हुई है और अब भी है ना सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ उत्पम। तो ये जो कल हमने डोसे बनाए थे ना, तो उसका मिक्स बच गया था, तो उसी में मैं छोटे छोटे प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची काट के डाल लूंगी और डोसे की तरह ही बना लूंगी। पर मैंने ना अभी आलू का पराठा खाया था, तो सुमित बोले मेरे को पराठे खाने हैं, तो मैं दोनों चीजों का टेस्ट लूंगा, पराठों का भी और उत्पम का भी। तो मैं अभी मम्मी और सुमित के लिए पराठे भी बनाऊंगी और उत्पम भी बनाऊंगी, तो दोनों चीज बना रही हूँ। चलो अभी बना लेते हैं फटाफट नाश्ता। और अभी खा पी के पराठा के मजे लेके मेथी वाले पराठे बनाए। सिंपल तो सुमित ने मना कर दिया, बोले सिंपल नहीं खाऊंगा, मेथी वाले बना ले, तो थोड़ा उनमें टाइम लग गया। और अभी खा पी के मैं और सुमित तो आ गए हैं बाहर, कुछ काम था तो वो निपटा के जाएंगे। और मम्मी गई है आंटी के घर, तो आंटी के है ना 1-2 बजे तक धूप रहती है, तो मम्मी बोली मैं धूप लगा के आती हूँ। लेट ही निकली थी धूप, 2 दिन से अभी धुंध पड़ रही है तो लेट धूप निकलती है, और इतनी तेज भी नहीं निकलती आजकल, धूप मंदी मंदी निकला है। तो अभी धूप में बैठने के वैसे सही मजे हैं। मम्मी तो गई है आंटी के यहाँ, बातें कराएगी और धूप सेक आएगी, और हम भी अभी काम निपटा के जल्दी से फिर मैं भी छत पे जाऊंगी, कपड़े धोए थे तो वो सुखा दूंगी और मैं भी धूप में बैठाऊंगी। चलो अभी अपने काम निपटा आते हैं जो करने आए हैं। अभी दोपहर के 2 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ ज्योति के पास, क्योंकि मम्मी का भी फोन आया है, बोली कि आजा, ज्योति बुला रही है, चाय पानी पियेंगे तो धूप में बैठेंगे बातें करेंगे, तो इसीलिए मैं अभी ज्योति के यहाँ जा रही हूँ, धूप में बैठे हैं सारे। चलो चलते हैं। सब्जी बना ली है, अभी लंच बनाया नहीं है? किस चीज की सब्जी बना रही? इतनी टेस्टी, मेरी बड़ी खुशबू आ रही है। मटर पनीर, हाँ लग गया देख के ये। चलो बना ले, आ जा धूप में बैठेंगे थोड़ी देर। आजा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। खाली खाना? खाना खा लिया, हो गया लंच। धूप तो जाएली जाली में ताले छत पर हो गई मारी पतो। हाँ शाम तक रवा है ऊपर। ऊपर चलो चलो, मैं तो कहूँ थी मम्मी थी फोल्डिंग लेके जा रही हूँ, बल्कि मैं वहाँ ऊपर। अच्छा आपके ऊपर? अच्छा ये क्या की फड़ी लग रही है आंटी? ये किस चीज की फड़ी है? क्या बेल है ये? अपराजिता। अपराजिता, अच्छा सब्जी बना कर इनकी? अच्छा मतलब ये होनी चाहिए घर। अच्छा वैसे घर पे होनी चाहिए, सही है। दोनों का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे का लगा दिया है, केक कटवाया था सुबह, है ना? सुबह कटवाया था ना आंटी? ये बड़े सुंदर, ये पासनी कुसनी लगा के ये देख तो सुंदर बना दिए डिब्बे। हलवा, अच्छा हलवा बनाया था, हाँ हाँ सही है। ये सुंदर बना रखे हैं दोनों, अच्छे लग रहे हैं। क्या? अच्छा वो गज्जक, गज्जक खा लो भाई, ज्योति लेके आई गज्जक। अंकल अच्छा गच्चे खा लो, गुलाब वाले स्वाद है गज्जक तो। पहले तो ज्योति का और उसका था घबरू ना था उसमें, है ना? ये सारे हो गए सिया बच्चों बच्चों के, घबरू नोनू सुंदर तीनों ये, हाँ सब के हो गए। हैप्पी बर्थडे रौनक भी लिखवा रखे है। चाय आ गई अभी, आ जाओ आप सब भी चाय पी लो। और आज है ना नोनू का बर्थडे है, मतलब आंटी के बड़े पोते का बर्थडे है, तो अंजु दीदी लेके आई थी आंटी की लड़की ये कप जिसमें सारे बच्चों की फोटो लगवा रहे। और जब मैं और मम्मी आंटी के घर से आए ना, तो घर आते ही देखा कि हमने पार्सल आया हुआ है, और ये नहीं पता ये किसने भेजा है अभी तक, और ना मैंने बुक किया था, ना मम्मी ने ना सुमित ने, तो हम में से किसी ने बुक नहीं किया था। तो बस आते ही मम्मी खोलने लग गई, और जब ये पता नहीं हो ना भाई कि पार्सल में क्या है, तो अलग ही एक्साइटमेंट होती है खोलने की कि इसमें से क्या निकलेगा। तो मम्मी ने खोल लिया है और इसमें से निकली है टी शर्ट, वो भी सर्दियों वाली जो मैं भी ढूंढने जा रही थी। तो फिर अभी खोल के हमने देख लिया था, फिर हमें मतलब पता चल गया था अभी किसने भेजा है, तो ये मेरे देवरानी, मतलब मेरी देवरानी ने भेजा है ये।
मतलब उसे ने बुक किया था पर हमें बताया नहीं था, अभी तक नहीं बताया था कि मैंने पार्सल बुक कर रखा है। तो फिर हमने श्याम को उनसे पूछा ना कॉल करके, तो उसने बताया कि मेरे लिए ये टी शर्ट बुक कर रखी थी, क्योंकि थोड़े दिन पहले जब मैं अंसल गई थी ना तो मैं सर्दियों की टी शर्ट ढूंढ रही थी, तो वो वाला लोग मेरी देवरानी ने देख लिया था दीपिका ने, तो उसने फिर मेरे लिए टी शर्ट भेजी थी। तो मैं अभी आपको पहन के दिखाऊंगी ये कैसी लग रही है। तो देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, कलर भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये है ना थोड़ी छोटी लग रही है मेरे को, ऐसे देखने में ही छोटी लग रही है, मीडियम साइज है वैसे तो इसका, फिर भी मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। तो ये देखो ऐसी लग रही है मेरे को ये टी शर्ट, पर ये साइज मेरे को छोटा लग रहा है। देखो बाजू भी कितनी छोटी है ना, यहाँ तक आ रही है, बल्कि सर्दियों की बाजू तो फुल होनी चाहिए यहाँ तक, तो इसकी बाजू भी मेरे को छोटी है और इसकी लेंथ भी छोटी है, देखो यहाँ तक आ रही है। तो एक नंबर बड़ा मंगवाना पड़ेगा, सर्दियों की तो थोड़ी लंबी लंबी और खुली खुली टी शर्ट ही अच्छी लगती है। तो ये मेरे एक साइज छोटा है, तो इसे एक साइज बड़ा मंगवाऊंगी और ये वाला दीपिका ले लेगी क्योंकि उसको सही आ जाएगा, मेरे को थोड़ा सा छोटा आ रहा है, तो मैं एक नंबर बड़ा मंगवा लेती हूँ। वैसे सही है, कलर भी सही है और डिजाइन भी सुंदर है, वैसे मेरे को सुंदर लगी, बस इसका साइज थोड़ा छोटा है। अगर मतलब इसमें बड़ा साइज मिल गया तो यही डिजाइन मंगवा लूंगी, यही वाली सेम टी शर्ट, अगर नहीं मिला तो कोई और पसंद कर लूंगी। तो ये मीशो से मंगवा रखी है, तो दीपिका लिंक भेज देगी और मैं ढूंढ लूंगी। तो कैसी लगी आप लोगों को? और अभी मैं बनाने लग गई हूँ डिनर, और आज डिनर में मैं बना रही हूँ मटर और मशरूम की सब्जी। तो हमारा तो पूरा दिन यही चलता है, खाना और पीना, बनाते रहो और खाते रहो, तीनों टाइम अलग अलग खाना बनता है, तो पूरा ही दिन खाने का काम चलता है, और फिर वही बर्तन हो जाते हैं, किचन साफ़ करनी हो जाती है, तो यही चलता है, और ये काम ख़त्म होता है फिर दोबारा से खाने का नंबर आ जाता है। तो बस अभी मटर मशरूम की सब्जी बना रही हूँ, तो बन गई है सब्जी, और बस अभी रोटी बनानी बाकी है, तो वो भी बना लेती हूँ फटाफट। और अभी हो गया है अगला दिन, अगले दिन की सुबह सुबह हो गई और मैं बना रही हूँ नाश्ता, और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहा। तो मैंने पोहा भिगो के रख दिया है और वेजिटेबल पोहा बनाऊंगी, और धनिया काट दिया है, और यहाँ पे मैंने मूंगफली फ्राई करके निकाल ली है देखो, और वेजिटेबल सारी छोंक दी है, बस अभी ये धुला हुआ पोहा ही डालना है इसमें। तो आज मैंने कहूँगी घर पे सब्जियाँ थी तो सारे डाल दी हैं, और अभी मैं बनाऊंगी चाय मेरे और मम्मी के लिए, तो मैं और मम्मी चाय के साथ पोहा खाएंगे। और पोहा बन गया है अभी, और चाय भी मैंने चढ़ा रखी है, बस बनने वाली है चाय। और चाय है ना, हम जब से शक्कर आई है ना तो रोज़ ही शक्कर की चाय बनाते हैं, और इतनी टेस्टी लगती है ना शक्कर की चाय, मतलब फ़र्क का पता ही नहीं चलता कि भी ये शक्कर की है या चीनी की है। तो मेरे और मम्मी के लिए चाय बन गई है, तो तीनों के लिए मैंने खाना डाल दिया है, आ जाओ आप सब भी खा लो, बस सर्दियों में तो यही चलता है, ठंड के मज़े लो, वही गर्मा गर्म चाय पियो और खाना खाओ, बहुत भूख लगती है ना सर्दियों में तो, और सारा ही खाना टेस्टी लगता है, कुछ भी बना ले सारी चीज़ें अच्छी लगती है, बल्कि गर्मियों में इतना टेस्ट नहीं आता खाने में जितना सर्दियों में आता है। और अभी है ना 12 बज गए हैं और मैं आई हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए, लेकिन अभी 12 बज गए ना, धूप नहीं निकली है, पर थोड़ा थोड़ा चालना सा हो गया, तो मैंने सोचा अभी धूप निकलेगी तो उससे पहले ही सुखा जाऊँ, सूख जाए ताकि शाम तक। वैसे तो है ना मैंने कल धोए थे ये कपड़े, पर नीचे सूखे ही नहीं, और कल मैं ऊपर सुखाने का जो टाइम ही नहीं लगा मेरे को, तो आज सुखा के जा रही हूँ। और 3-4 दिन से तो ऐसी धूप पड़ रही है ना, मतलब 2 दिन से धूप तो निकल रही थी लेकिन आज तो धूप के भी कोई चांस नहीं दिखते, पर फिर भी मैं ऊपर सुखाने आ गई, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, और क्या पता निकल ही आए धूप, ये कपड़े तो सूख ही जाएंगे, तो अभी सुखा देती हूँ। सर्दियों में ये काम और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, अभी कपड़े नहीं सूखते तो उनको बाहर से उतारो, क्योंकि रात में तो फिर वही धुंध पड़ के इतने गीले हो जाते हैं, और फिर अगले दिन फिर सुखाओ, तो ये काम और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो मैंने कल तो ये कपड़े नीचे सुखाए थे और आज ऊपर सुखाने आई हूँ, और अभी धूप नहीं निकली ना तो शाम तक यहाँ भी नहीं सूखने वाले, पर लग रहा है निकल जाएगी धूप, क्योंकि 2-3 दिन से तो धुंध पड़ ही रही है, तो 12-1 बजे तो धूप निकल ही आती है, और कल मेरे को टाइम ही नहीं लगा, कल तो अच्छी धूप निकली थी लेकिन टाइम ही नहीं लगा, पहले बाहर चली गई थी, फिर आने के बाद आंटी के यहाँ चली गई, और आंटी के यहाँ से आई ना तब धूप चली गई थी, मैं अब क्या सुखा के आऊँगी, अब सुखा के आई तो फिर 4-5 बजे फिर उतारने जाना, तो इतनी देर में सूखेंगे तो नहीं, मैंने सोचा फिर आज मतलब कल ही सुखा आऊँगी, तो इसीलिए आज सुखाने आई हूँ। तो देखते हैं निकलाई तो सही है, नहीं तो फिर कल फिर सुखाने आऊँगी, कल निकली तो धूप, तो ये बड़ा रास्ता हो जाता सर्दियों में। चलो तो अब इस व्लॉग का यही एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो देखते रहे ना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना।